खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं अपना सबसे भरोसेमंद चैनल इंडिया टाइम 24 न्यूज। दिखाएंगे आपको देश और दुनिया की सभी बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की टॉप 10 हेडलाइंस पर। दुनिया में कोरोना मरीजों की संख्या पहुंची 54 लाख के पार, 3,45,000 से ज्यादा लोगों की हुई मौत। चीन में कोरोना का फिर हुआ आगाज, मिले कोरोना के 11 नए मामले, 2 दिन में किए गए 12 लाख टेस्ट। भारत में कोरोना मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 1,38,845, मौत की संख्या 4,000 के पार, पिछले 24 घंटे में आए सबसे ज्यादा 6,977 मामले। राजस्थान में कोरोना के 72 नए मामले, संक्रमित मरीजों की तादाद 7,000 के पार। उत्तर प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला, श्रमिकों को रोजगार देने के इच्छुक अन्य राज्यों को यूपी सरकार से लेनी होगी अनुमति। लॉकडाउन के बीच आज पूरे देश में बन रहा है ईद का पर्व, मुस्लिम समुदाय घर से करेंगे इबादत। इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर 80 घरेलू उड़ानें हुई रद्द, पैसेंजर्स का फूटा गुस्सा, कहा बिना किसी नोटिफिकेशन के लिया गया फैसला। नहीं रहे हॉकी लीजेंड बलबीर सिंह सीनियर, 96 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। दिल्ली में भीषण गर्मी के आसार, मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट। मुंबई के कांस्टेबल ने पेश की इंसानियत की मिसाल, अपने खर्चे पर एक शख्स का करवाया अंतिम संस्कार। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज। नमस्कार। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।